सो गाइस अभी घर से निकला हूँ और अभी मेरे पसीने छूट रहे हैं। ये देखो पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम मेरे घर के आगे। सड़क टूटी हुई हाईवे तो वो पूरी पूरी टूटी हुई है तो नहीं बन रही है, इसलिए मेरे को पैदल जाना पड़ रहा है। और अभी आ रहे मेरे फ्रेंड तो कुछ काम जा रहे हैं, तो बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं और मेरे आगे की जर्नी क्या होने वाली है। गाइस ये देखो यार क्या हाल रखे हैं सड़क के, ये देखो पूरी पूरी तोड़ रखी है और इतनी ऊंची तक दी है यार सड़क को। अब पता नहीं मैं घर से मैं बाइक कैसे इधर लाऊंगा सड़क की ओर, तो चलो देखते हैं होता है क्या। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि आपकी वजह से आए मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं। और छोटे से छोटे क्रिएटर का एक सपना होता है कि कब उसके 1000 सब्सक्राइबर्स हों। पहले मेरा सपना था कि 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, यार वो भी हो गए हैं। 500 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर आपने बहुत जल्दी करवा दिए। और एक वीडियो वायरल गई थी गगन नदी वाली, जो पिछले साल मैंने अपलोड की थी वो इस साल वायरल चली गई। तो यार देखो किस्मत काम करती है तो ऐसी किस्मत काम करती है। और बाकी यार मेरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कुछ कहने के लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। और बाकी यार ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर अपने इधर उधर भी बाहर भी जाया करेंगे लोग वगैरह शूट करने के लिए। और जब भी यहाँ पर मैं मानगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पर इतना कंटेंट नहीं हो पाता यार, वैसे टाइम भी नहीं मिल पाता लोग वगैरह बनाने का, तो इस वजह से यार ब्लॉग डिले भी हो जाते हैं, बना भी नहीं पाता और टाइम की वजह से ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। तो कभी कभार ब्लॉग शूट करता हूं तो वो मैं डाल देता हूं। और मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिले ताकि आप वीडियो को पूरी देखो, आपको भी मजा आए और मेरे को भी मजा आए कि यार आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। इस वजह से यार मैं ब्लॉग कम ही बनाता हूं, और बनाता हूं तो बढ़िया ब्लॉग बनाता हूं। जैसे मैंने गंगा नदी का ब्लॉग बनाया था उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और 1200 तक के व्यू चले गए, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर ही 1000 कंप्लीट हो चुके हैं। और यार मैं 1000 सब्सक्राइबर की वीडियो नहीं बना पाया जो अक्सर यूट्यूबर बनाते हैं, क्योंकि उस दिन यार मेरे रात को सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे 1000, वरना मैं वीडियो जरूर बनाता कि यार ये देखो मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मैंने कम्युनिटी टैब में अपना वो पोस्टर सा होता है वो मैंने डाल दिया था, वो आप देख लेना, अगर नहीं देखा है तो उसको लाइक भी जरूर कर देना यार। और बाकी अपना प्यार ऐसे बनाए रखे और आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब ये अगस्त की धूप और मैंने पहन रखे काले कपड़े, यार हालत पूरी खराब हुई पड़ी है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, यार बड़ी गर्मी लग रही है आज तो। तो गाइस फाइनली कुछ टाइम चलने के बाद अभी आ गया है मेरा फ्रेंड अनिल। कैसे अनिल भाई? अभी जा रहे हैं भाई हम टिकट वगैरह करवाने जा रहे हैं, तो बताता हूँ कहाँ की टिकट करवाने जा रहे हैं और कहाँ की आगे जर्नी होने वाली है, तो ब्लॉग में बने रहना। A few moments later. तो गाइज 10 मिनट के बाद हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन में, क्योंकि टिकट वगैरह करवानी है। तो बताऊंगा कहाँ पे हम जा रहे हैं, वो चीज़ इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, अगले ब्लॉग में बताऊंगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं मिल जाऊंगा वहाँ पे जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, और आप भी होना, क्योंकि यार बहुत अच्छी जगह है यार, आपका भी वहाँ पे जाने का सपना होगा, मेरा तो है यार। तो ये देखो ये मेरे सामने बिल्कुल हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन है, चलो चले गए भाई। सो गाइज ये कुछ ऐसा मार्केट है हनुमानगढ़ जंक्शन के बाहर स्टेशन के आगे, ये देखो छोटा सा मार्केट है और अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये हमने लिया फॉर्म, इसको फील करते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे। ये लो भाई इंग्लिश में भरे हैं, हिंदी में, हिंदी में भरते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं आ रहा हमें। सो गाइस फाइनली टिकट कटवा लिया, ये देखो यारी ऊपर नहीं दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहे हैं, वो तो सरप्राइज है, व्लॉग में पता चलेगा, व्लॉग देखो फिर आपको पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं हम। भाई मैं आ गया कैफे में, किसके साथ आया हूँ वो तो आपको पता ही है यार, व्लॉग तो आपने देख लिया होगा। यार काफ़ी गर्मी थी तो हमने सोचा कि कुछ ठंडा ठंडा पी लिया जाए, तो यार देखो तली हुई चीज़ें तो मैंने खाने बंद कर दी है, पूरी कम्प्लीटली बंद कर दी, क्योंकि मेरे पेट में रहती है दिक्कत उस वजह से। और अभी मैं शेक पी रहा हूँ, दिखाता हूँ यार आप, ओरियो शेक मेरा फेवरेट, ये देख ओरियो शेक मेरे को पहली बार मैंने ओरियो शेक टेस्ट करवाया भाई, कैसा लगा ओरियो शेक? ये देखो और एक बिस्किट डाल के शेक बनाते हैं भाई यार, ये पता चला है, क्योंकि मैं हर बार आता हूँ तो सीधे पी लेता हूँ यार, मैं देखता नहीं कि बिस्किट वगैरह कुछ है या नहीं है, मैं तो सीधे पी लेता हूँ यार। गाइस कैफे का व्यू देखो, ये नया बना है भाई यहाँ पे बुरीटोज कैफे, ये देखो गाइस पूरा पूरा रिनोवेट हो गया यार, कितना अच्छा लग रहा है। और गाइज आने वाले कुछ दिनों में आपको एक ब्लॉग की प्रॉपर सीरीज वगैरह मिलेगी। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, हम दिखाएंगे क्या क्या हम मस्ती करते हैं, क्या क्या हम कुछ करते हैं और कहाँ हम जाते हैं, कहाँ हम रुकते हैं, सारा डिटेल में ब्लॉग आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ब्लॉग में बने रहना। चलो मिलते हैं अब जल्दी नए ब्लॉग के साथ।
सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, तो आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करती है। छोटा सा व्लॉग था बेसिकली यार, मेरे को 1K सब्सक्राइबर के लिए व्लॉग बनाना था, वो मैंने बना दिया है। और ये आपका धन्यवाद ही देना था यार। बाकी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अपनी सीरीज आने वाली है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।